क्या मार्ग दिखाएंगे, लेकिन भगवान के पास आप ही आशा मत करना कि आज सीरत चल जाए, पूछ लगने वाली है। बोले भगवान दो तीन चतुर्दशी पड़ जाए ताकि भगवान और चल जाए, फिर तो एक महीने की पूछ है तो शादियां होनी नहीं है। ऐसी आशा लेकर के आओगे, धन तो मिलेगा लेकिन धर्म नहीं मिलेगा। धन मिल जाएगा मेरे भाई लेकिन धर्म चला जाएगा। इसलिए स्वरम न डरना न आशा करना। अभी कुछ दिन पहले हम लोग उत्तर पुराण का स्वाध्याय कर रहे थे। श्री कृष्ण का जीव जब साधना कर रहा था पूर्ण पर्याय पे उन्हीं बन के और उन्हीं के साथ बैठ करके बलराम भी उन्हीं बन के साधना कर रहे थे, लेकिन श्री कृष्ण ने निदान कर लिया कि इन विद्याधरों के समान भोग मुझे मिले। मरण करके दोनों एक ही स्वर्ग में गए, एक सी आयु ली और चुट होकर के एक ही परिवार में जन्म लिया, लेकिन एक कहां गया एक कहां गया। देखा कृष्ण जी कहां पहुंच गए और बलराम कहां पहुंच गए, जबकि भोग एक से मिले। जब मिलना एक सा ही है तो मांग क्यों रहे हो? भगवान कभी भेदभाव करते क्यों? भगवान भेदभाव नहीं करते, भगवान तो भेद विज्ञान में लीन है। भेदभाव आप कर रहे हो कि भगवान को मैं सिर पर चढ़ा रहा हूं, मेरी नहीं चल रही, दादाजी की चल रही। तो भगवान भेदभाव नहीं करते, जब नहीं करते है तो मांगने से क्या तात्पर्य, आशाएं करने से क्या तात्पर्य। सुनो आज से मांगना नहीं, सब मिलेगा। जिनेंद्र भगवान राग द्वेष से परे है भैया, जिनेंद्र भगवान राग द्वेष से परे परे है पवन। जब राग द्वेष से परे है तो तुमको और तुम्हारे मित्र को तुम दोनों ने नमस्कार किया, एक सा पुण्य मिलेगा कि नहीं? नहीं मिलेगा। नमस्कार एक सा है, क्या भाव एक से है? जैसे आपके भाव है वैसा आपको प्रतिफल मिलता है। ये चांदी की चौकी है ना पक्का, उसके नीचे वाली दोनों की हाइट एक सी, दोनों की साइज एक सी, भाव किसके जाता है? भाव किसके जाता है? ये घड़ी तुम्हारी है, इसमें लिखा है फास्ट ट्रैक। इतना लिखने से उसकी कीमत बढ़ गई कि नहीं? भाव बढ़े कि नहीं? जैसे भाव होंगे वैसा बना भाव। कोई है सोने चांदी वाला? कोई तो होगा नहीं है? कौन है भैया? घबराओ नहीं, आप नहीं लेना आपसे, बताओ तो। जैसा भाव होगा वैसे दाम मिलते हैं। चांदी बेची कभी आपने? चांदी बेची? चांदी 70,000 की भी बेची होगी और 35,000 की भी बेची होगी। अभी 40-50,000 की बेच रहे, अंतर क्यों है? जबकि वही चांदी है, जैसे भाव होंगे वैसा आपको प्रतिफल मिलेगा। भगवान की भक्ति करते समय मां जैसे भाव होंगे वैसा प्रतिफल मिलेगा। भगवान में भेद नहीं है। आप महावीर स्वामी को नमस्कार करो, नैमिताल भगवान को नमस्कार करो, पुण्य एक सा मिलेगा। आपके भावों पर निर्भर करता है। बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिनका इसी बेटी में मन लगता है, बहुत से ऐसे होंगे जिनका आखिरी वाली बेटी में मन लगता है, होता कि नहीं? निर्जरा भावों से होती है, निर्जरा भगवान से नहीं होती। वो तो अपनी निर्जरा कर गए। मोहन कह रहा है अब तो बाहुबली भगवान कई विषय करते तभी हमको पुण्य मिलेगा। भैया ऐसा नहीं है, भावों से निर्जरा है। सही है कि नहीं दादाजी? कभी आप महावीर
जी भी दुबई हुए, वहां भी महावीर स्वामी है, सागर में मंगलगिरी में महावीर स्वामी है, और भी जिनाला में भूल लाए भगवान महावीर स्वामी होंगे, सभी श्रावक छपारा के मूल लाए महावीर स्वामी, सभी श्रावक अपने जहां जहां जाते जिनाले में वंदना करके निर्जला कर लेंगे। कैसे भावों की महिमा है, आशा नहीं भाव, तीसरा हेतु है स्नेह, राग चिन्ह। यहां मंदिर में काम तो लगाऊंगा कुछ दिन पहले, है ना, ये अभी काम दिख रहा है ना, तो काम तो लगाऊंगा, इस दीवार में धूल जरूर होगी इस पिलर में, लेकिन वो पिलर में कपड़ा मारने से धूल जल गई। वही मनु जो बाहर लकड़ी का गेट है उसमें हुई थी पॉलिश और उतने समय पड़ गई धूल, अब तुम साफ करके दिखा हो जाएगी, अथवा या किसी ने घी के हाथ लगा दिए उसमें धूल लग गई, सो धूल कौन सी जल्दी छूटेगी, बिना तेल की कि तेल वाली। जो प्रति समय आपको बंधन और आसरा हो रहा है उसमें जितना स्निग्ध परिणाम आपका होगा, जितने राग द्वेष होंगे उतना देर से बंध छूटेगा। अभी कोई बोल रहे भैया बाहर किसी की गाड़ी खड़ी थी गिर गई है, सफेद रंग की है, सो जिन जिन की सफेद रंग की होगी वो विकल्प करेंगे, और किसी ने बोल दिया 6615 नंबर की है, बाकी सब बैठे एक ही खड़े हो जाएगा। वस्तु ने बंद नहीं कराया, वस्तु के प्रति जो आपका राग है वो बंद करा रहा है, समझ रहे, वस्तु बंद का कारण नहीं है। बहुत सारे जिनाले हुए चोरी हो जाती है, दादाजी श्री जी की मूर्तियां लोग उठा लेते, सोने की समझ के उठा ले जाते हैं, बड़ी मूर्ति है उसको आपने सर पर रखकर पांडुरंग से लग रखा है, सो आपकी तो भी निर्जला सुभाषरो, और वही मूर्ति सिर पर रख के थैले में रख के ले जा रहे हैं व्यक्ति, उसको हो गया बंद। वस्तु ने क्या किया, वस्तु ने क्या किया, वस्तु ने बंद नहीं कराया, आपकी जो राग द्वेष प्रकृति थे वो बंद करा रहे, समझ रहे मां। एक जब आप शुद्ध भोजन के भाव करते हो, चातुर्मास का समय आता है, अथवा साधु और माता जी को निराजों का समागम मिलता है, तब आप भी तब उस समय भी आप सब्जी बनाते हो, गेहूं पीसते हो, लेकिन शुद्ध घी निकालते हो, उस घी की एक एक बूंद में, उस आटे के एक एक कण में, उस सब्जी के एक एक दाने में अलग भाव रहता है। और कहीं ये बच्चे ना सितार, तूने केले छीले और केले के दो तीन भाग करके रख दिए कटोरी में, और साधु आए ना वरुण क्यों बड़ा जी केले ले लो, केले हमने बनाए हैं, होता कि नहीं दादाजी, साधु बनने के अलग अलग वो मिलता है। माताएं थाई दिखाती ना, एक भी चीज बाहर करो ना तो इनको ऐसे लगता है प्राण निकल लिए, तो नहीं महाराज जी ये तो लेना ही पड़ेगा, क्यों, और देखना वही सब्जी आप प्रतिदिन अपने परिवार के लिए बनाते हो, उसमें वो भाव नहीं होता जो गुरुओं की अंजलि में रखने के समय होता, नहीं होता। दादाजी बेटा बीमार हो और आप छाती पे लगा के रात भर सोए हो, वो दिन भी देखा है, ठीक, उसका सिर दबा रहे हो, उसका पैर दबा रहे हो, वही अगर साधु बीमार है और वो उनकी आप वृत्ति कर रहे हो, क्रिया एक सी, उस समय भी एक जीव के आप कष्ट का निवारण कर दे, इस समय भी किसी एक जीव के कष्ट का निवारण कर रहे हो, लेकिन दोनों में अंतर है, एक में राग था, एक में
एक में पास सब था समझ रहे बेटा, ये मत सोचो शहर सागर जी कौन तुमको लेने आया है, कौन देख रहा है कौन नहीं देख रहा, आप तो खुद को देख रहे हैं कि नहीं। ऐसी कौन सी मूर्ति है पूरे भारत के मंदिरों में भगवान की अयंत परमेश्वर की जो ऐसे मिली हो? महावीर स्वामी कोई मूर्ति मिली ऐसे आशीर्वाद देते हुए पारस्तान भगवान की नहीं मिली? किसी ने केवली भगवान की मूर्ति ऐसे मिली कि आशीर्वाद देते हुए? मिलेगी भी नहीं। वो इस बात का चिन्ह है कि हमारे भगवान राग द्वेष से परे हैं, इसलिए तो हम उनके चरणों में पड़े हैं। समझ गए भैया? जितने लोग पूजा कर रहे हैं आप खुद पूजा करो, स्वाध्याय करते हो स्वाध्याय करो, व्यापार करते हो व्यापार करो, श्रावक का हमें करेगा, धन अर्जन करो, लेकिन भय आशा स्नेह लोभ इनसे बच के रहो। मटके में छेद हो सो कितना ही पानी भर लेगा चक्के में, बचेगा नहीं। आप करते हो बड़े भगवान की भक्ति, फिर यहां से निकल के सीधा पहुंचे ठेले में समोसे की सुनो, बेटा सब बराबर हो गया, तेरे भाई सब बराबर हो गया, क्यों अट्टू है क्या बेटा? अट्टू याद कर, तूने 10 उपवास किए थे भाई, अभी शिविर में 10 लक्ष्य हुए, एक बच्चा आया था लड्डू नाम था, 16 उपवास के नाते थे, ये सब घबरा रहे थे, बोले महाराज लोग कह रहे हैं कि प्रभावगर के लिए उपवास करवा रहे हो। राजेश भैया याद है, बच्चे की शक्ति देखो, दिन में 16 बार खाने वाला 16 उपवास कर रहा है, ठीक है, लेकिन भैया फिर उसके बाद यहां से निकल के उपवास हो गए, पाड़ना कहां हुई अट्टू? अट्टू कहां हुई थी पाड़ना भाई? नहीं बताओ, वो तो सुबह तो तुमने हमारे सामने मूंग की दाल का पानी पी लिया था, उसके बाद दोपहर में तुम्हारी पाड़ना कहां हुई थी? बहरानी कूदे तुमने कहां मनाई थी? ठेले में नहीं, पार्ट हुई थी पिज्जा से, उस लड्डू ने पार्ट की आइसक्रीम से। राजेश भैया आचार्य भगवान कह रहे हैं संबंध में स्वामी, इतना सब कर लिया था, जब इतने दिन कर सकते थे थोड़ा धैर्य रखते तो आगे भी साधना कर सकते हो। आपके अंदर शक्ति है लेकिन शक्ति की अभिव्यक्ति नहीं है। दुकान में भीड़ लगी हो ना, को भी या सोने चांदी वाले, आप शाम का भोजन भी छोड़ देते हो, बोले क्यों? धनतेरस है। गल्ले वाला होगा सो छपारा छोड़ के सतना और दुनिया की मंडी में बैठा मिलेगा, फल खा के काम चला लेगा, किस लिए? लोभ के लिए। भैया जब इतना कर सकते हो थोड़ा और भी कर सकते हो, लेकिन क्या करें, मन नहीं मानता, मन नहीं मानता। दादाजी एक बात बता दो, समय तो हो गया समाप्त कर ले, एक बात बता दो, आप मन के गुलाम हो कि मन आपका गुलाम हो? सब अपने में सोच लो भैया, उत्तर तो एक ही है, बोलो अमन भैया जितने पुजारी बैठे बताओ भैया, मन के गुलाम हो कि मन आपका गुलाम है? कितने लोग मन के गुलाम है ईमानदारी साहब? अच्छा कितने नहीं है, मतलब सब है भैया मन के गुलाम हो? जो मन के गुलाम है वो पूजा कर रहे हैं, जो मन को गुलाम बनाने का पुरुषार्थ कर रहे हैं उनकी पूजा हो रही है, और जो मन का ही अभाव कर चुके वो पूज की तक विधि पर बैठे कुछ नहीं कर रहे। एक बार मन को लगाम लगा लें फिर आनंद आनंद है। केरला जाओ दादाजी, हम भूल गए ना भी, पूरा तमिलनाडु नहीं है कर्नाटक की पूरी यात्रा की, एक व्यक्ति है केरला में
जेल है, जेल जैसे आप गाय वगैरह पालते ना, वो उसको हाथी पालने का शौक है, तो उसके यहां कितने हाथी है सहज कर देते, एक दो नहीं 300 हाथी है, 300 पाला है वो, शौक है, और तीन लोग मिलकर के वो 300 हाथी संभालते हैं, कितने लोग देखना हो सो फड़ी है उसको तुमको दिखा देगा, एक व्यक्ति अगर गन्ना पकड़ा है और चल रहा है और पीछे हाथियों की रैली है, 200 तो बच्चे थे छोटे छोटे, उसका शौक क्या हाथी पालना है, लेकिन एक भी हाथी उपद्रव नहीं कर रहा था, क्यों क्या थे सहसा रहे थे देखा था, एक भी हाथी उपद्रव नहीं कर रहा, एक व्यक्ति आगे चल रहा, दो व्यक्ति सबसे आखिरी में, कोई हाथी ने बीच मार्केट से लेके जाना बोला, एक भी हाथी ने उपद्रव नहीं किया, क्यों सबके कान में अंकुश टंगा था, अंकुश टंगा था, जैसे हम गाय चराने ले जाते ना, फिर सुबह सुबह निकलते हैं हाथी को खिलाने के लिए, 300 हाथी कहां खाएंगे भैया, एक हाथी को खिला तो बिल्कुल घर पर इस्तेमाल होंगे क्या, 300 हाथियों को खिलाना, सुबह सुबह निकलता जंगल में ले जाता, शाम को लौटा के लाते, सब हाथी अपनी जगह खड़े, लेकिन वो इतना बड़ा हाथी अगर मचल जाए, एक हाथी ना छपारा खाली हो जाएगा, बोले दादाजी एक हाथी मचल जाए सब दुकानें बंद करके मकान बंद करके अंदर बैठे गले में, क्यों, लेकिन वो ही हाथी बस किससे हो गया, अरे वो हाथी किससे बस में आया, एक अंकुश से, अथवा हाथी का दांत तोड़ दिया जाए तो बेचारे का मन खत्म हो जाता है, वो वही ठंडा बैठ जाता है, ऐसे ही है, अपने मन का दांत तोड़ दो और मन में अंकुश लगा दो, आप भी अपने आप को बस में कर सकते हो, छपारा से मारा नहीं है, कितने मारा जाए, एक नीरसागर जी, एक आपने क्यों नहीं ली, आपने क्यों नहीं ली थी इच्छा, उन्होंने मन को गुलाम बनाया तो साधु बन गए, पूज्य बन गए, आप मन के गुलाम हो इसलिए पूजा कर रहे हो, नहीं ये तो पक्की है, साधुओं की सेवा कर रहे हैं, साधु नहीं बने तो ये तो श्रेष्ठ है कि साधुओं की सेवा करो, ये तो दुनिया को पता है, वही हम बता दें तो मतलब क्या है, ससुराल जाने के बाद बोलो सिर्फ जबलपुर में तुमको वही लपका लचका मिले तो क्या मतलब है, बोले मिठाई का डिब्बा लाए थे वो सास ने और रख लिया उसी में से निकाल ली थी, कुछ तो अंतर हो, लेकिन भैया ईमानदारी से बताए दादाजी, भारत की सरकार बहुत सारे उपक्रम कर रही है, बताए जी एक उपक्रम आप हवाई तरफ से करवा देना, बोले भैया जितने लोग मोबाइल लिए हैं इनके मोबाइल से व्हाट्सएप और फेसबुक नाम की जो बीमारी है ये भारत में बंद हो जाना चाहिए, अरे घबराओ नहीं भाई सही बोल रहे, जीवन में जिस भी चीज को संकल्प विकल्प वर्तमान चल रहे हैं सब मोबाइल के कारण चल रहे हैं, अपने परिवार का ग्रुप बनाया तुमने सौरभ, परिवार परिवार जो तुम्हारे खानदान के, तुमने माता की दादाजी उसमें थे इनका जन्म दिवस था तुमने बधाई भेज दी, और ये तुम्हें बधाई देना भूल गए कहा मोबाइल में, तुम इनके शत्रु बन गए, सही है कि नहीं, जितनी आधुनिकता बढ़ रही है उतने क्लेश बढ़ रहे, और सबसे श्रेष्ठ भय आशा स्नेह लोग इन चार से बच के रहना, भैया कहां गया वो भयंक लड़का चलता था ना बिहार में, वो मोबाइल दिखा रहा था, इतना सा मोबाइल था उसके पास, बटन दबाओ उठाओ काम खत्म, तुमने कहा इसमें क्या है, बोले इसमें कोई लफड़ नहीं है व्हाट्सएप नहीं है, समझ गए भैया बेटा, मन लगता है आधुनिकता आने से, आधुनिकता आने से सुख बढ़ा है, सुख नहीं बढ़ा दुख बढ़ा है, वही उंगली पहले पेज पलटाते थे जिंदवाड़ी की
अब मोबाइल किसका है, कल क्या है, कुछ नहीं राजेश भैया। रात तेज बढ़ रहा है, भय बढ़ रहा है, लोभ बढ़ रहा है, स्नेह बढ़ रहा है, आशाएं बढ़ रही है। बोले भाई सही है कि स्वरम, दिन में जितनी बार तुम प्रभु की मूरत नहीं देखते उतनी बार दूसरे का स्टेटस देखते हो। तुम गलत है क्या भाई, गलत बोल रहे क्या? कितना समय जा रहा है, किसी को समझ में नहीं आ रहा कि आयु प्रतिपल हो रही है झील, और तुम लगे हो मोबाइल के बटनों में, कहीं बटन दबाते दबाते चित्र देखते देखते चले गए, तो वो जो चित्र है अथवा जो तुम क्रिया कर रहे हो वहीं पर जाकर तुम्हारा गति बंद हो गया, स्थिति बंद हो गया, सुख करोगे क्या? समझ रहे भाई क्या नाम आपका? आदित्य भाई, सिद्धार्थ की दुकान है मोबाइल की, वो मोबाइल में पता क्या देख रहा था, इस बार गर्मियों में कहाँ जाना है, सुदीप कहता है चिकमंगलूर बहुत बढ़िया जगह है कर्नाटक में, और सी पुष्ट का वातावरण बहुत बढ़िया रहता है, और देख रहा था इतने में उसको अटैक आया, सो देख रहा था कि वहां रात था वहां जाना है, वहीं जाकर पेड़ हो गया, वृक्ष हो गया, कहीं भी पढ़ा लो। एक दो भाई थे, दोनों भाइयों ने मिल करके धन कमाया, उसमें एक सोने की रत्नों की प्रतिमा बनवाई थी, और दोनों ने मिलकर के धन वहां गाड़ दिए, किसी ने देख लिया उसने निकाल करके दूसरी जगह गाड़ दिया, दोनों भाई परस्पर में क्लेस करके भरे। एक राग किसका था, धन का, एक भाई उसी धन के ऊपर वृक्ष बना, दूसरा भाई हाथी बन के फिर उसी पेड़ की जड़ में पानी डाल रहा है, उसको जाति स्मरण हो गया, इसमें श्री जी है तो वो पूजा अभिषेक करता था तो जल डाल रहा था। भैया राग देश में मत पड़ो, उससे कल्याण नहीं है, कल्याण तब है जब राग द्वेष से हटकर मन को गुलाम बना लो। कुछ याद होगा नहीं होगा, इतना तो याद रहेगा भाई आदित्य भाई कि महाराज आए थे अपने नाम के थे, पर दूसरी बात भैया मन को गुलाम मत बनाओ, मन को गुलाम बनाओ, मन के गुलाम मत बन जाओ। एक ही साधु क्यों निकले छपार से, और भी निकल सकते थे, कि आपकी योग्यता नहीं भाई, कभी एक आसन नहीं किया, उपवास करिएगा, साधु के साथ कभी पैदल चले हो, जब नहाते हो तो कपड़े उतारते नहीं है, सभी क्रियाएं कर सकते हो, शक्ति है, बस वो लगाम जो मन ने आपके गले में डाली है वो तो मन के गले में डालनी है, फिर देखो तुम्हारी भी पूजा होगी, पूजा क्या होगी, तुम भी सिद्धों के साथ बैठोगे। आप सभी भैया साधु तो है, वो तो आएंगे जाएंगे, लेकिन कुछ दे रहे हो सो पात्र खोले रखना हृदय की, क्या पता कब कौन सी अमृत की बूंद अंदर चली जाए और आपका जीवन अमृतमय हो जाए। आप सभी भय से बचे, आशा इसने लोभ से बचे, मन के गुलाम ना बन के प्रभु के भक्त बने, और मन को अपने अनुसार चलाए। भगवान महावीर स्वामी की, आचार्य भगवान गुरुवर विष्णु सर्वज महाराज की, जैसा बना रहे इससे बड़ा कल्याण का और क्या मार्ग दिखाई दे। लेकिन भगवान के पास आके आशा मत करना कि आज सीरत चल जाए, पूछ लगने वाली है। समझ रहे सिद्धार्थ, बोले भगवान दो तीन चतुर्दशी पड़ जाए ताकि दोपहर को और चल जाए, फिर तो एक महीने की पूछ है तो शादी होनी नहीं, ऐसी आशा लेकर के आओगे, धन तो मिलेगा लेकिन धर्म नहीं मिलेगा। धन मिल जाएगा मेरे भाई लेकिन धर्म चला जाएगा, इसलिए स्वरम न डरना न आशा करना। अभी कुछ दिन पहले हम लोग उत्तर पुराण का स्वाध्याय कर रहे थे, श्री कृष्ण का जीव जब साधना कर रहा था पूर्ण पर्याय पे उन्हीं बन के, और उन्हीं के साथ बैठ कर ले बलराम भी उन्हीं बन के साधना कर रहे थे, लेकिन
श्री कृष्ण ने निदान कर लिया कि इन विद्याधरों के समान भोग मुझे मिले। मरण दर के दोनों एक ही स्वर्ग में गए, एक सी आयु ली और चुट होकर के एक ही परिवार में जन्म लिया।